भिक्खु और भिक्खुनी अपने बाल क्यों नहीं रखते, ये प्रश्न आया हुआ है। पहला बात तो ये है कि अगर बाल जो होते हैं वो सौंदर्य को बढ़ाते हैं। महिलाओं की पूरी दुनिया में सौंदर्य को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो वस्तु काम करती है वो उनके बाल हैं। बाल उनको घेरा देते हैं, उससे उनकी सौंदर्य के चार चांद बढ़ते हैं। मनुष्य भी यानी पुरुष भी बाल रखते हैं, वो भी अपने सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति विपस्ना करेगा, जो अर्हत होगा, जो सेल्वेशन में जाएगा, जिसको मोक्ष प्राप्त करना होगा, या जीते जी निर्वाण प्राप्त करना होगा, या सुख प्राप्त करना होगा अनंत, वो अगर बाल रखेगा तो बाल उसके मोह का कारण बनेंगे। वो पानी में अपनी छवि देखेगा, शीशे में अपनी छवि देखेगा, या सामने वाले के चेहरे पे, सामने वाले की निगाह में अपनी खूबसूरती को झलकता हुआ देखेगा। उससे उसको अहम रहेगा, उसे एक अहम भाव आएगा, और ये अहम भाव उसकी विपस्ना साधना में, उसके मुख पर प्राप्त होने में, उसके जो राग और द्वेष हैं उससे ख़त्म होने में बाधा करेंगे, और वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी भिक्खु और भिक्खुनी होते हैं वो सब उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिन चीज़ों से सामने वाले को परेशानी हो या उनको खुद हो। आपकी सुंदरता से सामने वाले का ध्यान भटकेगा और आपका खुद का भी ध्यान भटकेगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। ये विनय के नियम बनाए गए और ये समय अनुसार प्रैक्टिकल नियम हैं। एक सबसे पहले भगवान बुद्ध के किसी के बाल नहीं कटवाए। ऐसा नहीं है कि पांच भिक्खुओं के पास जब वो बनारस में गए और बनारस में जाके उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप सबसे पहले मुंडन करा लीजिए या सबसे पहले बाल हटाइए, तब मैं आपको सिखाऊंगा। ये जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आप साधना में बैठते हैं, विपस्ना में बैठते हैं, तो विपस्ना में और साधना में बैठने पे, और जब डीप जाते हैं, बहुत गहरे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर शरीर का एक बाल भी हिलता है कहीं का, तो बाल पे ध्यान जाता है और आप अपने अंदर उतरे हुए हैं। आप अपने अंदर की जितनी चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं, अंदर क्या क्या चल रहा है उसको देख रहे हैं, और वो सेल्स में एक एक एटम बहुत तेज़ी से हिल रहा है। आपका ध्यान तो आपकी सेल्स के एटम में है, किधर किधर से वेदनाएं आ रही हैं, किधर किधर से संवेदनाएं आ रही हैं, अंदर क्या क्या हो रहा है, और बाहर आपको डिस्टरबेंस आ गई। तो उस डिस्टरबेंस को ख़त्म करने के लिए शरीर के लगभग सारे बाल, जो बहुत गहरे बहुत भिक्षु और बड़े बहुत भिक्षु थे, वो सब अपने नोच लेते थे उस समय, नोच नोच के निकालते थे, क्योंकि काटने का साधन उस समय नहीं था। इसलिए बौद्ध भिक्खु और बौद्ध जो भिक्खुनी होती हैं, या इस परंपरा में या और भी परंपराओं में, अगर आपने अच्छी तरह से साधना विपस्ना करनी है, तो आपको शरीर को मोह देने वाली या दूसरे को उसमें फंसाने वाली सारी बातें ख़त्म करनी पड़ेंगी। उसमें बाल भी आते हैं, इसलिए वो बाल नहीं रखते। धन्यवाद।